हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि अलग अलग तरह के इमोबिलाइजेशन के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। इसमें हमने कुछ फिजिकल मेथड्स पढ़े और कुछ केमिकल मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने क्रॉस लिंकिंग वगैरह पढ़ा, कोवेलेंट बाइंडिंग देखा। अब यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों, और ये टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है और इसके कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्मेंटेशन, आपने ये वर्ड बहुत पहले सुना भी होगा, आपने 10th 12th में ये वर्ड्स, ये टर्म्स को सुना होगा। क्या होता है फर्मेंटेशन, ये जान लेते हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है बच्चों, एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पे जो खाना होता है वो टूटता है। खाना जो है बच्चों, वो किस फॉर्म में हमें मिलता है? ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि खाना जो है वो हमारे पेट में किस फॉर्म में आता है? ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। अब ये ग्लूकोज जो है ये टूटता है। आपको पता है कि भाई हम जो भी खाना खाते हैं, ये खाना कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है? हमारे पेट में और हमारे इंटेस्टाइन में। अब जब भी ये खाना टूटता है तो बच्चों यहाँ पे तीन सिंपल फूड बनते हैं। उसमें आता है ग्लूकोज, उसमें आता है एमिनो एसिड्स, और उसमें आता है फैटी एसिड्स, और साथ साथ में आता है बच्चों ग्लिसरॉल, है ना। इतनी चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी में बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जो ग्लूकोज है ये आगे किस तरह से टूटेगा। क्योंकि बच्चों हम जो खाना खाते हैं, पहले तो ये खाना जो है ये पहले बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एकदम जैसे कि एक बड़ा सा जाल हो। ये जाल सपोज करिए अलग अलग जगह पे काटा जाता है, जिससे ये जाल जो है वो छोटा हो जाए। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं, जब वो एकदम सिंपल हो जाता है, तो उसमें से ये एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो बाहर निकलता है। एकदम सिंपल फूड है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। यही तीनों जो है वो टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन्स टूटते हैं तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, और फैट्स टूटता है बॉडी में, हमारे बॉडी में बात करें, कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे बॉडी की बात कर रही हूँ, तो फैट्स टूटते हैं तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है। अब ये सब बॉडी में जब टूटकर बन जाता है तो क्या उससे हमें हमारी जरूरतें पूरी हो गई? नहीं। अब जब खाना पेट और इंटेस्टाइन के अंदर इन सिंपल खाने में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को बदल देता है, उसके बाद शुरुआत होती है दूसरे स्टेज की। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंपल खाना है ये हमारे ब्लड से लेकर अलग अलग बॉडी के सेल्स तक, कोशिकाएं जिन्हें आप बोलते हैं, सेल्स और कोशिकाओं तक उन्हें पहुंचाया जाता है। तो जब सेल और टिश्यू तक इन खाने को पहुंचाया जाएगा, तब यहाँ पे असली काम खत्म होता है। क्योंकि जैसे भी ये खाना सेल और टिश्यू तक पहुंचता है, ये खाना फिर टूटता है, और ये आखिरी बार टूटेगा। अब जब ये ग्लूकोज या एमिनो एसिड या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जब फाइनली टूटते हैं, तो इनसे बनता है बच्चों एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये होता क्या है बच्चों, तो ये एक तरह की एनर्जी की करेंसी है। क्या है? एनर्जी की करेंसी है। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ ताकत मिल रही है, तो वो ताकत का स्रोत कौन है? ये एटीपी है। तो जब ये खाना और टूटते हैं, फाइनली जब अलग अलग सेल और टिश्यू तक पहुंचते हैं, तो जब आखिरी बार ये टूटेंगे, तो इनके टूटने से यही एटीपी बनता है, और यही हमें एनर्जी देता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपके सामने पढ़ा पा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के मैं यहाँ पे शायद खड़ी भी ना हो पाऊँ, अगर मुझे खाना ना दिया जाए, है ना। तो इसीलिए जो भी मैं खाना खा रही हूँ उसमें ये तीन चीजें तो है ही। अब फाइनली जब हमारा ये खाना जो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड से लेकर सेल तक पहुंचेगा, तो ये टूटकर यही एटीपी देता है, और उसी एटीपी की वजह से हम हर सिंपल से कॉम्प्लेक्स काम कर पाते हैं, चाहे वो सिंपली सोना हुआ, चाहे उठकर बैठना हुआ, या कोई भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना हुआ, कोई एक्सरसाइज करना हुआ, दौड़ना हुआ, भागना हुआ, कुछ भी करना हुआ, ठीक है। अब ये सब बताने का क्यों रीजन है बच्चों, क्योंकि फर्मेंटेशन भी उनमें से किसी एक प्रोसेस में आती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में पाया जाने वाला ये ग्लूकोज टूटता है और टूटकर एनर्जी देता है। अब फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है बच्चों, ये ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी में होता है। हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो जो ग्लूकोज है वो टूटकर CO2 क्या क्या देता है भाई, CO2, वाटर, और साथ में ढेर सारे अमाउंट की एनर्जी देता है।
लेकिन हम यहाँ पे इस टाइप के रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाए। हम यहाँ पे जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन, इसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है या ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और तब देखेंगे कि ये ग्लूकोज टूटकर आखिर क्या बनता है, उसी में से एक प्रोसेस आती है बच्चों, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि शुगर को, शुगर हमारा क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मीठा होता है ना, तो शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, या तो एसिड्स में, या तो कई बार ये गैसेस बनाता है। जैसे देखिए CO2 बन रहा है ना, तो गैस आ रही है, रिलीज हो रही है गैस, तो इसे ये कहा जा रहा है कि जब भी शुगर टूटता है तो या तो एसिड्स बनते हैं, साथ में कुछ गैसेस बनती है, और या तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है। ठीक, अल्कोहल जैसे कि जैसे हम कहते हैं C2H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल है। तो कई बार अल्कोहल बनता है, कई बार एसिड्स बनते हैं, कई बार गैसेस बनते हैं। आप सोचोगे भाई यहाँ पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देते हैं, बॉडी में खुद ही अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा, बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, अल्कोहल जो होता है ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है, चाहे ऑक्सीजन ज्यादा हो चाहे ऑक्सीजन कम हो। नहीं होगा तो कुछ बनने से पहले हम ऊपर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, है ना, कुछ बनना तो बहुत दूर की बात है। ऑक्सीजन की जहां पूरी तरह से अगर अनअवेलेबिलिटी हुई, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई बॉडी में, तो कुछ बनना तो दूर की बात है, पहले हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमारे बॉडी में ये अल्कोहल नहीं बनता है, ये दूसरे बॉडी में बनता है, और ज्यादातर ये आपको ईस्ट की बॉडी में देखने को मिलेगा। ईस्ट क्या है बच्चों, तो ईस्ट हमारा एक तरह का फंगस है, है ना, आपने पढ़ा होगा, इतनी छोटी बेसिक सी चीज है कि फंगस में एक टाइप आता है ईस्ट। ईस्ट की बॉडी में बच्चों फर्मेंटेशन होता है, जहां पे उसकी बॉडी में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल बनाता है। इसी को हम लोग अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे बच्चों, कि फर्मेंटेशन में किसी एक टाइप में हम देखेंगे तो अल्कोहल बनेगा, किसी एक टाइप में देखेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, किसी एक टाइप में देखेंगे तो ब्यूट्रिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें बनते हुए दिखेंगे। अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन भाई वो प्रोसेस है जिससे शुगर या ग्लूकोज हमारे बॉडी का टूटकर या तो कई बार अल्कोहल बनाता है, गैसेस बनाता है, या तो यहाँ पे एसिड्स बनाता है। एसिड्स में कौन से एसिड्स बनते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड भी बनता है, तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, गैसेस बनेंगे ही बनेंगे, साथ में कई बार यहाँ अल्कोहल भी बनता है, और मैंने कुछ और एसिड्स के भी नाम दिए जैसे ब्यूट्रिक एसिड वगैरह है, ये सब भी बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। एकदम सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन जानेंगे कि शुगर का टूटकर एसिड अल्कोहल या गैस में बनना, और ये सभी प्रोसेस ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन के पूरे एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन अगर पूरी भरपूर मात्रा में अगर ऑक्सीजन है तो ये प्रोसेस कभी नहीं हो सकती। तो ये ज्यादातर देखिए ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो फर्मेंटेशन सिर्फ ईस्ट में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के सेल्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो इन ऑक्सीजन स्टार्व्ड मसल सेल, भाई हमारे बॉडी में भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन तब होता है जब हमारे बॉडी के मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अब ये मसल्स को ऑक्सीजन कब नहीं मिलेगा बच्चों, जब सपोज करिए हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ना शुरू कर दिया, है ना, चाहिए भाई कि बढ़िया सी बॉडी बन जाए, लड़कों को खास शौक होता है। तो यहाँ पे मसल्स वगैरह जब बनते हैं तो आपने देखा होगा जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर देते हैं तो दूसरे दिन आपका हाथ पैर सब दर्द होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल्स को जब आपने एक्सरसाइज की थी तो उस समय में आपके बॉडी को पूरी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिला ही नहीं, और जब ऑक्सीजन मिला ही नहीं तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी के वजह से, एब्सेंस तो हुआ नहीं, कमी में होने में और एब्सेंस होने में डिफरेंस है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। तो कई बार हमारे मसल सेल्स में भी होता है, या तो कई बार लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी इसी को कहते हैं। देखिए क्योंकि मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, किससे, ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों, ये एक रहा डिस्क्रिप्शन। फर्मेंटेशन जो है ये यहाँ पे इसको बल्क ग्रोथ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहा जाता है। यहाँ पे इसका मेन काम यही है बच्चों की केमिकल्स बनाना, जैसे कि एंजाइम्स है, वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, ये सब बनाने का काम, मतलब इंडस्ट्रीज में भी फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके होने की वजह से हम बहुत सारे माइक्रोब्स बना पाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, कुछ भी है, एल्गी तो नहीं होगा, बट
बैक्टीरिया है, फंगस है, ईस्ट है, ये सबकी ग्रोथ तभी होती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन पूरी तरह से जब उस जगह पे नहीं पाया जाता है, तब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होना शुरू होता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस फर्मेंटेशन का यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े लेवल पे ग्रो कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रेंच यहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुईस पाश्चर, इनका नाम आपने सुना होगा कि लुईस पाश्चर जो थे उनको फर्मेंटेशन के लिए जाना जाता है, कि फर्मेंटेशन जो टर्म है उसके बारे में बताने का काम इन्हीं का था, लुईस पाश्चर का, है ना। और इसके साथ में जो इसमें माइक्रोब्स हैं उनका क्या कॉज है, ये सारी चीजें। तो जो साइंस है जिसमें हम फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, उस साइंस को जाइमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोलॉजी, ZYMO, जाइमो। ठीक है, ये भी जानते रहेंगे। अब जानते हैं बच्चों ये पूरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि यही असली बात है। अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो डेफिनेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए, डेफिनेशन लिखना है नहीं, MCQ बेस्ड होने वाला है सारी चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है ना। तो यहाँ पे जानते रहेंगे कि फर्मेंटेशन में होता क्या है। इसके लिए हम ये डायग्राम है, इसको भी अभी देखते हैं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। फर्मेंटेशन देखिए एक एनारोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। एनारोबिक मतलब क्या होता है बच्चों? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एन एरोबिक। अब देखिए अगर ये सिर्फ वर्ड लगा होता एरोबिक, है ना, अगर सिर्फ वर्ड लिखा होता एरोबिक तो इसका मतलब होता कि एयर है, एयर इज प्रेजेंट। एयर में भी क्या? ऑक्सीजन का होना, है ना। एयर मतलब ये नहीं कि एयर में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी गैसेस है, एयर का मतलब ऑक्सीजन का होना। अब यहाँ पे अगर ये एनारोबिक है, एन लग गया मतलब वो चीज नहीं है, एब्सेंट है, तो एयर जब एयर नहीं पाया जाता है तो उस प्रोसेस को एनारोबिक कहते हैं, और जब एयर प्रेजेंट है तब उसको हम एरोबिक कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में शुरू से बताते आ रही बच्चों कि या तो ये ऑक्सीजन की कमी में या तो ऑक्सीजन के पूरे एब्सेंस में प्रोसेस होती है। तो इसीलिए फर्मेंटेशन को आप जानते रहेंगे कि हमेशा ये ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन एकदम ना के बराबर जब रहता है तब ये प्रोसेस फर्मेंटेशन की होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है? एनएरोबिक प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है कि जो पहला प्रोसेस है वो सेम है जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे तो रेस्पिरेशन के समय में होता ये है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ये सबसे पहले बनता है एक पाइरूविक एसिड। ये आपने 10th लेवल पे पढ़ा होगा, एकदम बेसिक चीज बता रही हूँ। और पाइरूविक एसिड ही आगे चल के बनाता है CO2, वाटर और एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये होता है, ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो प्रोसेस देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि ये पाइरूविक एसिड आगे कैसे टूट रहा है, ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पाइरूविक एसिड क्या अलग प्रोडक्ट दे सकता है। क्योंकि ये जो मैंने पहला रिएक्शन दिया ये तब होता है बच्चों जब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, और जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में तब उसको फर्मेंटेशन तो नहीं कहेंगे। फर्मेंटेशन हम तभी कहेंगे जब ऑक्सीजन जो है वो कम है या तो है ही नहीं, तब कहेंगे। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट तो नहीं बनने वाला, प्रोडक्ट कुछ बदल जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो शुरुआत की प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनने की, ये तो सेम होती है, चाहे वो फर्मेंटेशन है या तो वो नॉर्मल कोई भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही क्यों चल रहा हो। मतलब हमारे सेल के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है, और फर्मेंटेशन हो रहा है तो भी ग्लूकोज से देखिए पाइरूविक एसिड बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस सब में सेम होती है, और ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि आगे जब यहाँ से एनर्जी बनती है तो हम सब जानते हैं बच्चों कि सेल में एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, सब जानते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो बनना है, मतलब पाइरूविक एसिड जब आगे टूटेगा तो ये सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन उससे पहले की जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। तो ये कॉमन है, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनना कॉमन है, चाहे वो फर्मेंटेशन हो रहा हो या कोई और प्रोसेस हो रही हो। बात समझ रहे हैं? अब फर्मेंटेशन का जो पहला प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की जगह है, जहाँ पे पाइरूविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से। अब ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है बच्चों? ये सब अपने लेवल पे पढ़ा होगा, या तो अभी अब आप कॉम्पिटेटिव लेवल से निकल के आए होंगे, तो जो लोग मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जब आपने तैयारी की थी तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था 11th का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो उसमें आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। लिसिस का तो मतलब ही होता है बच्चों बायो के वर्ड में कि ब्रेक करना, ब्रेक डाउन होना, है ना। तो लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और वर्ड लगा है इसके आगे पहले ग्लाइको, तो यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और हमें पता है कि जब ग्लूकोज टूटेगा तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन की मदद से ये बनाता क्या है आखिरी में? पाइरूविक एसिड।
तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है जहाँ पे दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट कंफ्यूज नहीं होंगे, पाइरुवेट कहिए या पाइरुविक एसिड कहिए, बात एक ही है ना, याद रखिएगा। अब ये पाइरुविक एसिड आगे चल के या तो लैक्टिक एसिड बनता है, या तो इथेनॉल बनता है, या तो बाकी के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी में साथ में यहाँ पे एनएडी प्लस जो है ये भी फॉर्म होता है, जो कि आगे चल के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में वापस से यूज हो जाता है। अब ये एनएडी क्या है बच्चों? एनएडी समझ लीजिए एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा मटेरियल है जिससे आगे चल के एटीपी ही बनता है। एक एनएडीएस से तीन एटीपी बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, एक एनएडीएस से तीन एटीपी बनते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पूरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता क्या है, कि जो ग्लूकोज है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे लैक्टिक पाइरुविक एसिड बनता है। ये पाइरुविक एसिड या तो इथेनॉल या CO2 बना सकता है, या तो दूसरे केस में लैक्टिक एसिड बना सकता है ना। तो इसी के अलग अलग कंडीशन जानने के लिए कि कब पाइरुविक एसिड से क्या बन रहा है, उसी बेसिस पे हमने फर्मेंटेशन को अलग अलग पार्ट में बांटा है, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन इसीलिए हमें पढ़ना है। बाकी की देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो यहाँ से ग्लूकोज से क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले PGAL बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, तो PGAL बनता है। फिर यहाँ से देखेंगे तो PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप बनता है, और इसी पेप से आगे पाइरुविक एसिड बनता है। इतनी प्रोसेस, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ है। यहाँ तक की प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, इसको फर्मेंटेशन नहीं कहते हैं। फर्मेंटेशन ये है कि पाइरुविक एसिड अब आगे टूट कर क्या बनेगा, वो फर्मेंटेशन कहलाता है। तो पाइरुविक एसिड का टूटना, या तो लैक्टिक एसिड बनना, या तो इथेनॉल और CO2 बनना, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। अब ये ज्यादातर ऑक्सीजन की, देखिए लैक्टिक एसिड बनता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और इथेनॉल वगैरह बनता है तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो या तो ऑक्सीजन की कमी में ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, या तो पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी में होती है, या पूरी तरह से एब्सेंट है तब हो रही है, ठीक है। यही है बच्चों फर्मेंटेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ग्लाइकोलिसिस के पास ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुविक एसिड का टूटना इधर इंटू लैक्टिक एसिड और इंटू इथेनॉल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इट टेक्स प्लेस इन, कहाँ कहाँ ये प्रोसेस पूरी होती है, तो याद रखिएगा कि ये ईस्ट की बॉडी में होती है, साथ में ये हमारे मसल सेल्स में भी हो सकता है, ठीक, और कह सकते हैं और भी अलग अलग जगह है, जैसे कि आपने देखा होगा विनेगर वगैरह जो बनता है, विनेगर खट्टा होता है, देखते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है। गांव वगैरह में सिरका बनाया जाता है, बच्चे जो होंगे उन्हें पता होगा, तो सिरका जो बनता है उसमें हमेशा यही कह सकते हैं कि एसिड एक तरह का बनता है, उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो अब आ जाते हैं फटाफट बच्चों टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन पे, कि कितने टाइप्स के फर्मेंटेशन होते हैं। सबसे पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बच्चों ये जानते रहेंगे कि टाइप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि फर्मेंटेशन के एंड में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी बेसिस पे इनके टाइप का नाम है। तो सबसे पहले है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब यहाँ पे जो पाइरुविक एसिड है या पाइरुवेट है, कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों से, पाइरुवेट कहिए या पाइरुविक एसिड कहिए, ये जब आगे टूटता है तो फाइनली ये लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बना रहा है। तो पहले वाले टाइप को इसीलिए कहा गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पाइरुवेट, देखिए बच्चों ये सब मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है, नहीं तो मैं चाहूँ तो सिंपली डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीजें, बट इसीलिए आप लोग के लिए रखा है ताकि आप PDF वगैरह लेके आसानी से पढ़ सके, आपको नोट्स वगैरह की झंझट ना हो। तो यहाँ पे होता है बच्चों ये है कि ग्लूकोज सबसे पहले तो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का मतलब ही है कि ग्लाइकोलिसिस होना। अब ये पाइरुवेट आगे जब टूटेगा तब इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। अब इस पहले टाइप के फर्मेंटेशन में जो पाइरुवेट है इसे क्या बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है, या तो कह लीजिए लैक्टिक एसिड बन रहा है। ये हमारे बॉडी में भी होता है, मतलब मसल सेल्स में, ह्यूमंस के मसल सेल्स में भी ये प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुवेट जो प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, इसमें यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो पाइरुवेट कहाँ से बना है, ग्लूकोज से बना है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की मदद से। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम जो काम करता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम याद रखेंगे, एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये प्रिपेयर करता है, जैसे ये प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों,
इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है। मैंने हम लोग पहले पढ़ चुके कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है या तो ईस्ट में होगा या तो बैक्टीरियल सेल में होगा। तो यहाँ पे ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है बच्चों, ये बैक्टीरिया के सेल में हो रहा है, और वो बैक्टीरियल सेल का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, ये दूध में पाया जाता है, और जब ये बैक्टीरिया का नंबर दूध में बढ़ जाता है तो वही दूध दही बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि फट गया, है ना। तो कह सकते हैं कि फट नहीं गया, एक तरह से कह सकते हैं कि दही बनने के लिए तो अलग बैक्टीरिया है, फट जाना मतलब तो अलग चीज हो गई, दूध का फटना तो मतलब वो तो अलग फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये कर्ड बनाने में मदद करता है, दही बनाने में मदद करता है मिल्क से, ठीक है। और ये यहाँ पे जो फर्मेंटेशन है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगा। तो जो दूध से दही बनती है बच्चों, उस दही में जो पाया जाने वाला बैक्टीरिया वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। और उसमें जो फर्मेंटेशन चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बनता क्या है, तो जो एसिड बनता है वो है लैक्टिक एसिड। किससे बनता है, याद रखिएगा पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड कहाँ से बना, तो याद रखिएगा ग्लूकोज से। किस प्रोसेस से बना, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस से। क्लियर है, चलो। तो ये मैंने ये भी बताया कि लैक्टोबैसिलस के साथ साथ ये हमारे मसल सेल्स में भी होता है, तो ये भी दिया हुआ है कि इंटेंसिव एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो इससे क्या होता है, पाइरूविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में रह जाता है तो हमें मसल्स में एक दो दिन बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, जब बहुत हैवी एक्सरसाइज हम कर ले जाते हैं, है ना। आप स्कूल वगैरह में होंगे तो आपके जो पीटी सर होंगे तो देखा होगा कि जो पीटी वगैरह कराते हैं या तो फिजिकल वगैरह के जो सर होते हैं, वो फिजिकल टीचर जो होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दौड़ा वगैरह देते हैं तो नेक्स्ट डे आपका हाथ पर दर्द होने लगता था। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है, या लैक्टिक एसिड कह सकते हैं इकट्ठा होने लगता है, इस वजह से ये प्रोसेस होती है। दूसरा टाइप का फर्मेंटेशन है अल्कोहल फर्मेंटेशन। साफ समझ में आ रहा है भाई कि इस फर्मेंटेशन में एंड में पाइरूविक एसिड से या पाइरूवेट से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक। तो इसका यूज हम इंडस्ट्रीज में भी इस प्रोसेस का बहुत करते हैं, क्योंकि भाई इथेनॉल हम जानते हैं अल्कोहल एक इकोनॉमिकल लेवल पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब कोरोना टाइम में ही देख लीजिए, सब कुछ बंद हुआ तो सबसे पहले जो खुला दुकान वो इसी की थी, है ना, अल्कोहल की दुकान सबसे पहले खुली, क्योंकि उससे क्या है गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, है कि नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे इसका प्रोडक्शन जो है वो काफी बड़े लेवल पे चलता है। तो ये जो इथेनॉल है इसी को हम अल्कोहल कहते हैं, दूसरे आम शब्दों में, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। अल्कोहल कहिए या इथेनॉल कहिए, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में वाइन जो बना है, या इसे ऐसा नहीं है सिर्फ अल्कोहल जो है इथेनॉल से सिर्फ अल्कोहल ही बनता है, इसका कुछ कंसेंट्रेशन बियर में पाया जाता है, कुछ अमाउंट इसका वाइन में, बियर में, ये सब जगह जगह पाया जाता है। साथ में कुछ जगह फ्यूल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ना, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, क्योंकि जब ये टूटता है तो प्योर, एकदम काफी प्योर फॉर्म में है, तो ये इंजन को काफी अच्छे से चलाता है। अब जो इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है वो है अल्कोहल, और साथ में बनता है CO2। तो पाइरूविक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, टूट कर एसिटाल्डिहाइड बन रहा है और CO2 रिलीज हो जाता है। आगे के स्टेप में इथेनॉल बनता है, जो कि किससे बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड से बन रहा है। तो कह सकते हैं, अगर आप ये नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, कि ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बना तो इसको हमने ग्लाइकोलिसिस कहा, ये तो सब में कॉमन होगा। अब आगे का जो प्रोसेस अलग है वो ये है कि पाइरूविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और यही एसिटाल्डिहाइड टूट कर फाइनली हमें इथेनॉल या अल्कोहल देता है, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल बना, इसी तरह के फर्मेंटेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। ये किस बॉडी में होता है बच्चों, तो ये ईस्ट सेल्स में होता है। किसमें होता है, ईस्ट सेल्स में। जबकि इससे पहले वाला जो आपने प्रोसेस देखा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो कहाँ हो रहा है, या तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में हो रहा है या तो हमारे मसल सेल्स में होता है। लेकिन अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट की बॉडी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है ईस्ट, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ जिनमें ये फर्मेंटेशन चलती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है। एंजाइम पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम का, इन दोनों एंजाइम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले में यहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारा पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का, जिससे पाइरूविक एसिड एसिटाल्डिहाइड बनता है, और दूसरे में एसिटाल्डिहाइड से जो इथेनॉल बनता है उसके लिए मदद करता है एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसकी मदद से अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो फाइनली ये अल्कोहल बनता है, ई सेल में होता है। अब ये भी जानते रहेंगे बच्चों कि अल्कोहल जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है ईस्ट सेल के लिए। तो ईस्ट सेल्स में जब करीब 13% इथेनॉल हो जाता है, जैसे कोई ईस्ट की सेल है, ठीक है, तो वो जिंदा हुई
कुछ समय के लिए, उसके बाद धीरे धीरे उसने जब सांस लेना शुरू किया, या तो कह सकते हैं उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, वो क्योंकि फर्मेंटेशन एक तरह का रेस्पिरेशन है। तो भाई इस ईस्ट सेल भी तो एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। बस ये कि इसको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है, या तो कह लीजिए ना के बराबर, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि इसकी बॉडी में जो पाइरूविक एसिड है वो इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल बन गया तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन इसके सेल में बढ़ने लगता है। अब जहां इसका परसेंटेज कह सकते हैं 13% पहुंचा, इन ईस्ट सेल्स की डेथ हो जाती है। इसलिए ईस्ट सेल्स बहुत लंबा नहीं जी पाते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। और ईस्ट सेल्स का आप यूज तो जानते ही हैं कि ईस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में, पिज्जा का बेस बनाने में, तो बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट सेल का बहुत उपयोग है। तो इसीलिए कह सकते हैं इकोनॉमिकल लेवल पे ये भी टाइप का जो फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसका भी काफी बढ़िया इस्तेमाल होता है। तीसरे टाइप पे आ जाते हैं, तो तीसरा टाइप है बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में एंड में क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे भी तो लिखा ही है मैंने, लेकिन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, मुझे भी उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं वापस लिख दे रही हूँ। अब ये एसिटिक एसिड जिससे बन रहा है वो किससे बन रहा है बच्चों? वो यहाँ पे आपका बन रहा है C2H5OH से, इथेनॉल से। ठीक है, तो C2H5OH और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये एसिटिक एसिड बनाता है, और साथ में इससे वाटर भी बनता है। इसको मैं सेव कर देती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि विनेगर, जैसे आप सिरका बोलते हैं, ये विनेगर इसी प्रोसेस से, इसी फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये जो सिरका बनता है इसमें दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि इथेनॉल बनता है, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं उसको, इथेनॉल बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, है ना, कुछ भी नहीं मतलब इन्हीं तीनों में से कुछ बोलिए, इथाइल अल्कोहल बोलिए, इथेनॉल बोलिए, अल्कोहल बोलिए। ये किससे बनता है? शुगर से। हम सभी जानते हैं कैसे बना, है ना, उसको हमने अल्कोहल फर्मेंटेशन बोला। तो हमारा यहाँ पे शुगर से या ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड से इथेनॉल बना। अब इथेनॉल बनने के बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही इथेनॉल को आगे चल के ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। और जब इस इथेनॉल को हम ऑक्सीजन देंगे तो आगे चल के ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। यही एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये प्रोसेस होती है। इस मेथड से हम लोग विनेगर वगैरह बनाते हैं। विनेगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखिए तो काफी यूजफुल है। बहुत सारी चीजें जैसे कि आप चाउमीन वगैरह खाते हैं उसमें विनेगर वगैरह डालते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन जहां भी विनेगर का होता है वहां पे इसी तरह की फर्मेंटेशन जो है वो की जाती है, है ना। तो ये तीसरा टाइप का था हमारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट और लास्ट टाइप आ जाते हैं फर्मेंटेशन पे, और इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या है? ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइप के फर्मेंटेशन में ये कहाँ पे होता है? ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इसमें होता है ये ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम वगैरह एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, उनमें ये प्रोसेस होती है। इसमें जो एसिड बन रहा है वो कौन सा एसिड है? ब्यूटरिक एसिड है। अभी तक हमने अल्कोहल बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, अब ये लास्ट और आखिरी टाइप का जो फर्मेंटेशन है इसमें ब्यूटरिक एसिड बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? इट ऑकर्स इन रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स, रैंसिड बटर, मतलब जो बटर सड़ गया है, या टोबैको की प्रोसेसिंग चल रही है वहां पे इस तरह का फर्मेंटेशन होता है, एंड टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस में यहाँ पे ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है। ब्यूटरिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन कोलोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर फर्मेंटेशन। तो एक ह्यूमन कोलोन से ये प्रोड्यूस होता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी देने का। ठीक है, यहाँ पे इपिथीलियम जो टिश्यू होता है उसको एनर्जी देने का ये काम करता है। इसमें सबसे पहले शुगर जो है ये ऑक्सीडाइज किया जाएगा। शुगर मतलब कि ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब इसको ऑक्सीजन दिया जाता है पहले स्टेप में, ताकि यहाँ पे ये क्या बना सके? पाइरुवेट, मतलब कि पाइरुविक एसिड। तो सबसे पहले में आधे स्टेप में हुआ कि पाइरुवेट बना, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ और पाइरुवेट बना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोल ही चुके हैं ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं, कभी से तो बता दें, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये पाइरुवेट को फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बने। ठीक है, अब इसको जब फर्दर फिर ऑक्सीजन देंगे तो ये एक दूसरा प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये दूसरी स्टेप रही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि एसिटाइल कोएंजाइम में बना बाय द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से ये प्रोडक्ट हुआ और साथ में हाइड्रोजन और CO2 भी बना। अब ये जो एसिटाइल COA है ये आगे चल के रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके ये क्या बनता है, ब्यूट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2, ठीक है। अब ब्यूट्रिक एसिड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट्रिक का मतलब है कि चार कार्बन का होना, तो ये CH3COOH नहीं सॉरी C3H7COOH इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो C3 इधर और एक इधर C, तो C4 हो गया, H7 और एक H ले लिया तो H8 हो गया, और O देखिए तो O2 हो गया, तो C4H8O2 लिख सकते हैं, या तो इसको C3H7COOH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको C3H7COOH, ये भी इसको बोला जाता है। ये है फाइनल रिएक्शन, है ना। तो इसी प्रोसेस से बच्चों यहाँ पे ब्यूट्रिक एसिड बनता है, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया, उसे पाइरुवेट बना, जिसे हमने ग्लाइकोलिसिस कहा इतने पार्ट को। अब इसी पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे चल के ब्यूट्रिक एसिड बनाता है, जिसका फॉर्मूला है C4H8O2, या तो इसको बोलते हैं C3H7COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यही ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। इस टाइप का फर्मेंटेशन जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। बच्चों फर्मेंटेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि इस फर्मेंटेशन की वजह से बहुत एटीपी नहीं बन पाता है, बहुत कम एटीपी बनता है। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ खड़े होकर आपको बता रही हूँ, आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप रिलैक्स मोड में है ना। तो ऐसे में क्या है, आपके बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऐसे में आपकी बॉडी में फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये पाइरुविक एसिड टूटता है तो ये प्रॉपरली आपको CO2, वाटर और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहा है। ये एनर्जी आपका 36 ATP होता है, 36 ATP यहाँ पे बनता है। अब वही फर्मेंटेशन में कहे तो 2, 3, 10, इससे ज्यादा ATP बनता ही नहीं है। और फर्मेंटेशन में भी जो सबसे ज्यादा ATP जिस टाइप के फर्मेंटेशन में बनता है वो है ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें ATP की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब इससे एनर्जी ज्यादा मिलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो जब खाना टूट रहा है तो वो एनर्जी ही देगा। अब यहाँ पे अलग बात है कि जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, लेकिन हम फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं तो फर्मेंटेशन या तो ऑक्सीजन की कमी में या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन में फिर भी एनर्जी ज्यादा बनती है। तो बच्चों ये भी प्रोसेस को अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ये हो गया आपका ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, ये आपके लिए सेव कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको फर्मेंटेशन वाला जो ये मैंने पूरा टॉपिक समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये यहाँ पे हमारा हमने देख लिया ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, उसके अलावा हमने देख लिया यहाँ एसिटिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज बाकी सबका देखे तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि पाइरुवेट से डायरेक्टली एसिड बन रहा है, पाइरुवेट से एसिटिक एसिड बन रहा है तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, पाइरुवेट से यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है डायरेक्टली तो यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन, पाइरुवेट से यहाँ पे डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, थोड़ा सा ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन अलग है। तो ये रहा बच्चों टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। यहाँ पे इसीलिए हमने ये पूरे ग्राफ को इधर देखा था कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ, ग्लाइकोलिसिस चली जिससे पाइरुविक एसिड बना। अब यहाँ पे एक केस में लैक्टिक एसिड बन रहा है और नीचे वाले केस में इथेनॉल और CO2 बन रहा है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये इथेनॉल फर्मेंटेशन है, ठीक। तो इस तरह से हमने फर्मेंटेशन देख लिया बच्चों, इसके टाइप्स पढ़ लिए। फर्मेंटेशन याद रखिएगा कि पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में ही चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस नहीं होती, याद रखिएगा। फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस, भले इसमें एनर्जी बन रही है, आप बोलेंगे कि मैम ने बताया कि भाई एनर्जी बनती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों की फर्मेंटेशन सेल के किस पार्ट में होता है, साइटोप्लाज्म की माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखिएगा कि ये फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में होती है।
नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो आधा साइटोप्लाज्म है, बाकी का माइटोकॉन्ड्रिया में होता, लेकिन फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक भी रिएक्शन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे देखिए एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। अगर यही प्रोसेस अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हुई होती तो यहाँ एनर्जी ज्यादा बनती। ये रीजन है कि साइटोप्लाज्म में ही पूरी प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हमें फर्मेंटेशन की वजह से भी बहुत एनर्जी नहीं हमें मिल पाती, चाहे हम कितने भी कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन की कमी में या चाहे ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो बच्चों आई होप आपको आज का ये फर्मेंटेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, अभी के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।